हेलो डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज के इस इम्पॉर्टेंट डाउट सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग डाउट तो आज का हमारा जो डाउट है वो ये है कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन अमोनोटैलिक यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक एनिमल्स तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि एनिमल्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इंटू थ्री डिफरेंट कैटेगरी अमोनोटैलिक यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कि वो अपनी बॉडी से किस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं अगर कोई एनिमल अपनी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर रहा है एज अ मैन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अगर वो अमोनिया है तो आप उस एनिमल को बिना कुछ सोचे क्या कहेंगे अमोनोटैलिक तो अमोनोटेलिक का मतलब समझ गए होंगे ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी से मैनली जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे एक्सक्रीट करेंगे अगर वो अमोनिया है तो आप ऐसे एनिमल्स को नाम दे देंगे अमोनोटेलिक अब एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि वो एनिमल जिस प्रोसेस के थ्रू अमोनिया को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करेगा द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया फ्रॉम द बॉडी उस प्रोसेस को आप नाम दे सकते हैं अमोनोटेलिज्म। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अमोनोटेलिक जो है वो एनिमल्स हैं एंड इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया जब भी कोई एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करता है तो उसके साथ कुछ बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स भी उसको फेस करना होती हैं जैसे कि नंबर वन अमोनिया इज मोर टॉक्सिक प्रोडक्ट अमोनिया जो है वो एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है ये चीज आप याद रखिए एंड इट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि अगर अमोनिया को किसी एनिमल को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना होगा तो उसके लिए बहुत सारा पानी खर्च करना होगा इट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वॉटर तो अमोनिया को आप बॉडी के बाहर कम पानी यूज करके एक्सक्रीट नहीं कर सकते तो ऐसे एनिमल्स अमोनिया के फॉर्म में अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं जो वाटर लॉस को मैनेज कर सकते हैं भारी भरकम वाटर लॉस को मैनेज कर सकते हैं और अच्छी बात क्या है कि जितने भी एनिमल्स अमोनोटैलिक हैं वो डेफिनेटली एक्वाटिक हैं अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी एनिमल्स एक्वाटिक हैं वो अमीनोटैलिक हैं मैं कह रहा हूं कि जितने भी एनिमल्स अमोनोटेलिक हैं वो एक्वाटिक हैं और यही रीजन है कि एनसीईआरटी में अमोनोटेलिक एनिमल्स के जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं वो आपको याद रखने हैं नंबर वन मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेज ज्यादातर बोनी फिशेज जो होती हैं वो अमोनोटेलिक होती हैं और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि आप एक्वाटिक एम्फीवियंस का यहां पर नाम लिख सकते हैं एक्वाटिक एमफीवियंस एंड एक और एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में यहां पर दिया गया है जो आपको बिल्कुल याद रखना होगा और वो है एक्वाटिक इंसेक्ट एक्वाटिक इंसेक्ट ठीक है तो ये जो मैंने आपको नाम बताए हुए हैं ये है अमोनोटेलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल ये एनिमल्स अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं पर ऐसा करने के लिए उनको मोर अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और वो इस वाटर लॉस को मैनेज कर सकते हैं बिकॉज दे आर एक्वाटिक एनिमल्स और अमोनिया एक बहुत ही टॉक्सिक प्रोडक्ट है अमोनिया की वाटर में सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है यानी कि अमोनिया इज द फास्ट सॉलिबिलाईज या फास्टली सॉल्युबलाइज इन वाटर ये बहुत तेजी से वाटर में क्या होती है सॉल्युबलाइज होती है इसलिए जो भी एनिमल्स अमोनोटेलिक हैं उनमें किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया तो किडनी जो है वो कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करेगी नो रोल ऑफ किडनी नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ किडनी ये आपको याद रखना है डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जो भी एनिमल्स अमोनोटैलिक हैं उनमें किडनी जो है वो अमोनिया के रिमूवल में सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती है बिकॉज अमोनिया इज फास्टली सोल्यूलाइज इन वाटर और किडनी चाहे कर भी अमोनिया को ब्लड से फिल्टर्ड नहीं कर पाएगी इसीलिए ऐसे एनिमल्स जो हैं वो अमोनिया को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है कि जो एनिमल एनिमलो अमोनोटैलिक हैं वो अपनी बॉडी से अमोनिया को कैसे रिमूव करते हैं तो हमेशा याद रखिए वो रिमूव करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू अमोनिया को रिमूव करेंगे फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस अपनी बॉडी सरफेस से या फिर अपनी गिल सरफेस से अगर मछली है फिश है तो बॉडी सरफेस से या गिल सरफेस से ये अमोनिया को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव कर सकते हैं अगर फिशेज हैं तो गिल सरफेस से अदरवाइज़ अगर वो अदर एक्वाटिक एनिमल्स हैं और वो अमोनोटैलिक है तो बॉडी सरफेस के थ्रू वो अमोनिया को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव कर सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो यूरियोटैलिक हैं यू आर ओ -e यूरियोटैलिक वो क्या होंगे तो ऐसे एनिमल्स यूरियोटैलिक माने जाएंगे जो अपनी बॉडी से जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करेंगे वो होगा यूरिया तो यूरिया अगर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको एनिमल अपनी बॉडी से रिमूव करता है तो आप उसे कहेंगे यूरियोटैलिक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ कि जो भी एनिमल्स यूरियोटैलिक होते हैं वो भी अमोनिया को अपनी बॉडी में बनाते हैं पर वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं इंटू यूरिया हम ह्यूमन्स में भी आपने देखा होगा कि हम यूरियोटैलिक के एग्जाम्पल हैं अभी मैं बताऊंगा और हम क्या करते हैं अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं और अमोनिया को हम अपने लिवर में यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं देन यूरिया को हम अपने ब्लड में डाल देते हैं ब्लड से वो किडनी में जाता है किडनी प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ यूरिया क्योंकि किडनी जो होती है वो ब्लड से यूरिया को रिमूव कर देती है और यूरिन के फॉर्म में हम यूरिया को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं तो किडनी का रोल तो यहां पर होगा सिग्निफिकेंट रोल होगा किडनी का तो लिख सकते हैं यहां पर सिग्निफिकेंट रोल किसका होगा किडनी का होगा अच्छी चीज यह भी है कि हम जब यूरिया को अपनी बॉडी में एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि यह लेस टॉक्सिक है यानी कि यूरिया इज लेस टॉक्सिक और कितना कम टॉक्सिक है तो मैं कह सकता हूं यह एक लाख गुना कम टॉक्सिक है अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया एक लाख गुना कम टॉक्सिक है तो हम यूरिया को आसानी से अक्यूमलेट भी कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर और उसको किडनी के थ्रू अपनी बॉडी के बाहर रिमूव भी कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि यूरियोटैलिक जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से एनिमल्स हो? उनके एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो यूरियोटैलिक के एग्जाम्पल आपको बहुत ईजिली मैं याद करा देता हूं आप हमेशा याद रखें नंबर वन मरीन फिशेज यानी कि जो मरीन फिशेज होती हैं वो यूरियोटेलिक होती हैं। एक और एग्जाम्पल आपको याद रखना है यहां पर और वो एग्जाम्पल है टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड एक और एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं यहां पर और वो होगा हम और आपका एग्जाम्पल यानी कि मैमल्स तो ये सभी एनिमल्स जो हैं वो यूरियोटैलिक एग्जाम्पल हैं यूरिया देन अमोनिया एंड यूरिया को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने के लिए आपको लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अमोनिया को अगर आपको निकालना है बॉडी के बाहर तो बहुत सारा पानी चाहिए और बहुत सारा वाटर वाटर लॉस करना होगा लेकिन अगर आपको यूरिया को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना है तो वाटर लॉस थोड़ा सा अमोनिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो कम होगा बहुत कम होगा अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनको आप कहते हैं यू सॉरी यूरिकोटैलिक एनिमल तो एक चीज और याद रखिए आप यूरिको में कि ऐसे एनिमल्स जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी के बाहर तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटैलिज्म 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 लिख देता हूं मैं यहां पर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म को हम क्या कहेंगे यूरियोटैलिक अब यूरिकोटैलिक की बात करते हैं यूरिकोटैलिक तो यूरिकोटेलिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी से जिस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं वो होता है यूरिक एसिड तो यूरिया के कॉम्पेरिजन में यूरिक एसिड को अगर किसी एनिमल को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना है तो मिनिमम वाटर लॉस होगा यानी पानी का लॉस बिल्कुल ना के बराबर होगा मिनिमम वाटर लॉस तो ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर ऐसे एनिमल्सिक होते हैं जिन एनिमल्स को अपनी बॉडी से वाटर लॉस को बहुत कम करना है यानी कि वो नहीं चाहते कि उनकी बॉडी से वाटर का लॉस हो वो वाटर लॉस को मैनेज नहीं कर सकते और यूरिक एसिड जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है और बॉडी के बाहर जब एनिमल्स यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं तो प्रेसिपिटेट करते हैं यूरिक एसिड को किस फॉर्म में रिमूव करते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म में यानी कि ये सेमी सॉलिड या पेस्ट के फॉर्म में सेमी सॉलिड या पेस्ट के फॉर्म में बॉडी के बाहर यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं इसलिए वाटर का लॉस क्या होगा बहुत ही ज्यादा कम होगा एग्जाम्पल हमेशा आप याद रखिए यूरिकोटेलिज्म के तो पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है वर्ड्स पक्षी दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स एक्वाटिक इंसेक्ट्स को छोड़ दीजिए तो बाकी इंसेक्ट्स जो हैं वो इंसेक् होते हैं उसके बाद आपको याद रखना यूरिकोटैलिक के यूरियोलिक के एग्जाम्पल आपको याद रखना है मरीन फिशेज टेरिस्ट्रियल एम्फीवियंस मैमल्स और अमोनोटैलिक के एग्जाम्पल आपको याद रखना मोस्ट बोनी फिशेज एक्वाटिक एम्फीवियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालना होगा वाटर लॉस आपको क्या करना होगा बहुत सारा यूरिया के फॉर्म में बॉडी के बाहर आपको निकालना है नाइट्रोजनस वेस्ट को तो का लॉस थोड़ा सा कम होगा लेकिन अगर आप यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं तो वॉटर कलॉस बिल्कुल मिनिमम होगा तो टेरिस्ट्रियल अडप्टेशन जो है टेरिस्ट्रियल अडप्टेशन का मतलब ऐसे एनिमल्स जो टेरिस्ट्रियल हैं उनने ये अडप्टेड किया है कि वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में तो एक्सक्रीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनको वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होगा यही रीजन है कि जो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो डेफिनेटली या तो यूरियोटैलिक हैं या यूरिकोटैलिक है यूरियोटैलिक या यूरिकोटैलिक ताकि वाटर का लॉस कम हो वाटर को कंजर्व कर सकें वो अपनी बॉडी में और साथ में वो अमोनिया की टॉक्सिसिटी से बच सकें क्योंकि यूरिया अमोनिया के कॉम्पेरिजन में एक लाख गुना कम टॉक्सिक है और यूरिक एसिड भी बहुत ही कम टॉक्सिक है या ना के बराबर टॉक्सिक है अगर कॉम्पेरिजन किससे किया जाता है अमोनिया से तो आई होप कि आपका डाउट सॉल्व हो चुका होगा थैंक यू वेरी मच अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और आगे इसी तरीके से मैं आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स सॉल्व करता रहूंगा तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच